क्वेश्चन नंबर 3, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट्स फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। मिली हेनरी को अपन हेनरी में कन्वर्ट करना है, 25 × 10⁻³ वोल्टेज कितनी गिवन है 220 वोल्ट। ए हमारे अपने को होगी हमेशा ई बी, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज। एक तो आपको फाइंड करना है एक्स एल, एक तो आपको फाइंड करना आई बी। पहले एक्स एल फाइंड करो 2πμL, कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी करो कैलकुलेटर। एक्सएल इज इक्वल टू 2πμL मीन 2 × 3.14 × μ50 इंटू एल मीन 25 × 10⁻³ यूनिट ओम। नेक्स्ट आपको फाइंड करना आई बी, ओम्स लॉ में क्या करो फार्मूला, बी इज इक्वल टू आई आर, अब वोल्टेज है ए अपन लिखेंगे ई बी इज इक्वल टू आई बी इंटू आर, आर अपने को कितनी है एक्सएल, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई बी इज इक्वल टू आई बी इंटू एक्स एल। वैल्यू पुट कर देगा हाँ तो डिवाइड करना है आपको ईवी 220 इज इक्वल टू आई बी इंटू एक्सएल इन 785। आई बी कितना आ गया ठीक है, ठीक है पॉइंट आता सर 78.5 है, चेक कर लो 7.85 आएगा। पॉइंट्स का डिफरेंस ले लो किसके आ रहा है अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है बुक लेवल 28 एम बी है हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो द कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ
1 हेनरी. फाइंड द फ्रीक्वेंसी इफ इट हैज रिएक्टेंस ऑफ 314 ओम. फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. इंडक्टेंस मीन्स एल, एल कितना है 1 हेनरी, एक्स एल कितना 314 ओम. आपको फाइंड करना है न्यू, सिंपल क्लास हुआ. एक्स एल इज 2.2 एल. फॉर एन एसी सर्किट द इंडक्टेंस इज 2 हेनरी हैविंग आरएमएस करंट 0.25 एम्पीयर. वर्किंग एट 60 हर्ट्ज. फाइंड आरएमएस वोल्टेज ईवी फाइंड करना है. ईवी वास्ते आपने को फार्मूला चाहिए है. ईवी इज इक्वल टू आईवी इनटू वी इज इक्वल टू आईआर. एक्सएल देना पहले, एक्सएल फाइंड करना पड़ेगा. एक्सएल फाइंड करो. एक्सएल इज इक्वल टू 2 pi mu L. मल्टीप्लाई करके कितना आ गया
वन एट एट वन फाइव जीरो ठीक है। नेक्स्ट लिखो एन इंडक्टर हूज रिएक्टेंस इज 22 ओम्स whose reactance is 22 ohms is connected to 22 ohms is connected to 200 watts 220 volts find the inductance is reactance find the reactance to padha tha kaise whose reactance is 22 ohm ke aage bana reactance question padhi dobara padho inductor whose reactance is 22 ohm is connected to 200 hertz and 220 volts find the inductance the inductance equal question sahi kar do reactance 22 ohms reactance likha hai kya likha hai reactance means xl hai aapka l find karna hai find the inductance एक्सएल की बने फ्रीक्वेंसी की बने ईवी की बने ऐसे 22 को अपन 7 कर लो दोनों साइड कर दिएगा 7 इधर आ गया एल फाइंड करना है इधर 1 आ गया 2 7 ठीक है सेवन बाय 400 हेनरी ठीक है। नेक्स्ट टर्म आप देखो ये कैपेसिटर एक्स सी 1/2 πν c इथे आ जाएगा प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटेंस ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਨੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ 10 ਮੈਡੀਕਲ
चलो ओमेगा टी प्लस 90 जो आप फेजर डायग्राम बनाने इसलिए प्लस आएगा ओले विच माइनस ना आया सी क्योंकि उसका डायग्राम इंडक्टर का ऐसा सी ये 90 प्लस हो गया आ ओमेगा टी है फॉर्मूला लिख ले चलो द कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड सी 1 माइक्रोफेरेड मीन्स 1 × 10^10 कितना -6 फैरेड द कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू ईएमएफ ई इज इक्वल टू 100 sin 100 πt 100 नहीं है 250 है 250 sin 100 πt सोर्स इक्वेशन गिवन है 5 द इक्वेशन ऑफ करंट कॉमा ओमेगा फ्रीक्वेंसी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड कैपेसिटी रिएक्टेंस देखो सब तो पहला बाकी करेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ई इज इक्वल टू ई डॉट साइन ओमेगा टी आ वाली इक्वेशन ठीक है आपने कहा ई नॉट होता है पीक वैल्यूज ने ई नॉट आई नॉट आ सारे ये दोनों पीक वैल्यूज ने ठीक है तो ई नॉट कितना आ गया ई नॉट इज इक्वल टू 250 ठीक है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आप दोनों को बेयर करोगे ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 πt टी ने टी कैंसिल हो गया ओमेगा कितना होता है 2 πμ इज इक्वल टू 100 π पाई ना पाई कैंसिल हो गया 2 μ कितना आ गया 100 μ कितना आ गया 50 Hz ठीक है और की फाइंड करना है एक्स सी फाइंड करना है एक्स सी अच्छा वोल्टेज देख लो 1/2 πμ c वेरी इसको कर दो इक्वेशन ऑफ करंट वाला क्या मतलब है I नॉट आ इक्वेशन ऑफ करंट ऊपर लेगा 6 आ गया कैलकुलेट कर लो फाइव टू द 100 इन्हें डिवाइड करो तो पावर सेंटर आ गया 10^6 -2 इनटू 1/3.1 टोटल आंसर कितना आ रहा है 3.18 × 10^4 आपको फाइंड करना है पीक वैल्यू आ गई नॉट
ठीक है। अगर आप आई नॉट फाइंड करना है तो मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी, बी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर आवर यूनिट ओम। तो आई नॉट कट लो वन, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्स सी, ई नॉट की का 250, एक्स सी है का मेरे को ले 3 1 8 × 10⁻¹⁴, 78.6 × 10⁻¹⁴ आ गया आई नॉट मीन अम्पियर, ठीक है। वाली वैल्यू जितनी भी है एक पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 9, एक इक्वेशन चाहिए थी। A capacitor of 1.5 microfarad, C है का मेरे को 1.5 microfarad, ये तब तो 1.5 into 10 power minus 6 farad, has capacitive reactance of 12 ohms, capacitive reactance XC, XC है मेरे को 12 ohm, is connected to frequency of a source, is connected to frequency of a source, find this frequency
A coil has inductance of 1 mH. At what frequency it has reactance 3142 ohms ठीक है इधर राजी क्वेश्चन है what should be the capacitance of capacitor having same reactance पहले न्यू फाइंड करना वन हेनरी क्या बने एल एक्सएल कितने न्यू फाइंड करो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल न्यू देखो कितना रहे कैसी कितनी आ गई पूरी वैल्यू ले लो 3.141 कितना गया न्यू आपको फाइंड कर दिया 500 इनटू सी ये तो सी कर दिया देखो कितना आ गया सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इनटू 3.142 इनटू 3142 इनटू 500 आंसर आ गया 0.11 माइक्रोफैरड क्योंकि यह 1000 बन जाएगा अगर मैं 1000 लिख देता तो पावर कितनी आ गई 3.1 तो वो पावर कट जाएगा हां वो भी खत्म हो गया उन्हें वो मल्टीप्लाई करके 190 बाय 10